नमस्कार दोस्तों, यूनी गार्डन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी मिट्टी भरी हुई थी, जिसको मैंने निकाल दिया है। लगभग लास्ट में मेरे पास इतनी सारी मिट्टी निकल गई, तो अब हम लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने खाली कर दिया, लगभग 1 इंच के पास में, नीचे से लगभग जो ये छत है, छत के लेवल से ये 3 इंच ढला है, उस पर 2 इंच मैंने मिट्टी का लेयर छोड़ दिया। अब इसमें हम लोग जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं, काउडंग, तो उसको पूरा इसको भर देंगे और उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे और उसको जूट के बोरे से ढक देंगे, जिससे वर्मी कंपोस्ट आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, इसे मैंने काफ़ी पहले बनाया, बहुत दिन हो गए इसको मैंने, वर्मी कंपोस्ट मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब क्या होगा, देखिए इसमें केचुए भी हैं। तो मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा इसमें से भी निकाल के और उसके बीच में डाल दूंगा, जिससे आपका वर्मी कंपोस्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर इसके ये तो लगभग अब इसके अंदर जो है बहुत सारे केचुए भी हैं, तो एक बार जब ये बना लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट को बना देते हैं, तो फिर दोबारा उसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं नए कंडे डालूंगा तो उसको ये डिकम्पोज करना चालू कर देंगे। तो इसमें से मैं निकाल के थोड़ा सा डाल दूंगा, ये बहुत सारे मात्रा में है। ये देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो मैं इन्हीं के थ्रू फिर से वर्मी कंपोस्ट बना लूंगा। तो चलिए पहले इसको पूरे कंडे से भरते हैं। तो मैंने लगभग थोड़े से कंडे से इन्हें भर दिए हैं। अब इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। देखिए छोटे छोटे केचुए बहुत सारे हैं, ये देखिए, तो इन्हें मैं डाल दूंगा। तो मैंने इतने सारे काफ़ी है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत छोटे छोटे से बन जाएंगे। देखिए कितने सारे हैं। तो जब भी आप बनाइए, तो जब भी ये पूरा डिकम्पोज कर देंगे, अगर सही से रहा तो ये 1-1.5 महीने में ही डिकम्पोज कर देंगे। तो जब ये बन जाएगा पूरा एथी, तो इसको कभी भी यूज कीजिएगा, तो जब भी इसमें से वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें जो केचुए होंगे खुद फिर से बनाना चालू कर देंगे। तो मैंने इसे हाफ भर दिया है, अब इसको मैं पूरा भर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हमने इसको पूरा भर दिया, अब इसमें आप पानी डाल रहे हैं। अब ये इतना ऊंचा उठ गया है क्योंकि ये अभी कम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो इसको पानी से भर देना है और इसमें अभी और भी कंडे लगेंगे। तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो जाएगा, उसके बाद मैं पहले इसे इस्तेमाल करूंगा, जैसे ये ख़त्म होगा तब तक ये तैयार हो जाएगा। इस तरह मेरा रिसाइकल चलता रहेगा और मुझे वर्मी कंपोस्ट की कमी नहीं होगी। अगर आप भी अगर चाहे तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप ड्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ जिसमें ड्रेनेज हो। तो मैं इसे पहले पूरी तरह भर दूंगा। तो इस तरह आप आसानी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।